अगर आप PS1 मूवी का सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पार्ट जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को 7 मिनट 35 सेकंड से शुरू कर सकते हैं। और मेरे फिल्मी दीवानों, तो कैसे हैं आप? सो हे गाइस, दिस इज जतिन एंड यू आर वॉचिंग बॉली व्यूज। सो आज की इस वीडियो में हम लोग कॉलीवुड यानी कि तमिल लैंग्वेज मूवी पोनियन सेल्वन 1 यानी कि PS1 मूवी के लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो मूवी PS1 जो कि रिलीज हुई थी 30th of September 2022, 30 सितंबर 2022 को मूवी को फ्राइडे के दिन रिलीज किया गया था। रेटिंग की बात करें तो बता दें कि इस मूवी को काफी ज्यादा पसंद किया गया, मूवी को काफी अच्छी रेटिंग दी गई और काफी अच्छे रिव्यूज भी दिए गए। तो इस मूवी को क्रिटिक्स के द्वारा 5 में से 4 स्टार्स की रेटिंग दी गई थी। तो वही बात करें स्क्रीन काउंट्स की, तो बता दें कि मूवी को इंडिया में 2350 स्क्रीन्स इंडिया पे दिए गए थे। तो इंडिया से बाहर ओवरसीज मार्केट में इसे 800 स्क्रीन्स में ओवरसीज मार्केट में रिलीज किया गया था, यानी कि दोनों को इंक्लूड करके मूवी को वर्ल्ड वाइड 3150 स्क्रीन्स पे वर्ल्ड वाइड रिलीज किया गया था। मूवी PS1 एक एपिक एडवेंचर एक्शन ड्रामा मूवी है जिसको मनी रत्नम ने डायरेक्ट किया था। राइटर्स की बात करें तो इसकी स्टोरी लिखी थी कल्कि कृष्णमूर्ति ने, इसका स्क्रीन प्ले किया था मनी रत्नम, एलांगो कुमार वेल एंड साथ ही बी जय मोहन ने। तो मूवी के प्रोड्यूसर्स की बात करें, इसके प्रोड्यूसर है मनी रत्नम एंड साथ ही सुभाष करण अली राजा। अब बात करते हैं मूवी के प्रोडक्शन हाउसेस यानी कि प्रोडक्शन बैनर्स की, तो इस मूवी को मद्रास टॉकीज एंड साथ ही लाइका प्रोडक्शंस इन दोनों बैनर तले मिलकर प्रोड्यूस किया गया था। चलिए बात करते हैं कास्ट यानी कि कलाकारों की, तो मूवी PS1 के अंदर विक्रम, कार्थी, जयम रवि, ऐश्वर्या राय, त्रिशा कृष्णन, ऐश्वर्या लक्ष्मी, प्रकाश राज, शोभिता धुलीपाला, रहमान, जय राम, प्रभु एंड आर शरत कुमार, ये सारे इस मूवी के अंदर नजर आए थे। लेकिन इनके अलावा भी इस मूवी के अंदर काफी सारी कास्ट नजर आई थी। वही अगर इस मूवी के नरेटर्स की बात की जाए यानी कि नरेशंस की बात की जाए तो हिंदी में इसका नरेशन किया था अजय देवगन ने, तमिल में इसका नरेशन किया था कमल हासन ने, तेलुगु में इसका नरेशन किया था राणा दग्गुबाती ने, मलयालम में इसका नरेशन किया था मामूटी ने और वही कन्नड़ में इसका नरेशन किया था उपेंद्र ने। इस मूवी की स्टोरी का अडाप्टेशन साल 1955 में पब्लिश हुई एक नॉवल जिसका नाम था पोनियन सेल्वन, उसी नॉवल से इस मूवी की स्टोरी का अडाप्टेशन किया गया है। जब से इस नॉवल को पब्लिश किया गया था यानी कि साल 1995 से ही, इस नॉवल के पब्लिश होने के बाद से ही इसके ऊपर इसकी जो कहानी थी उसके ऊपर तमिल सिनेमा में इसकी मूवी बनाने के लिए ट्राई किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो रुकावट थी वो थी फंड, यानी कि इस नॉवल के जो राइट्स थे, पहले तो उसको खरीदने के लिए फंड्स चाहिए थे जो कि उस टाइम किसी के लिए इकट्ठा करना इम्पॉसिबल सा काम था। देन साल 1958 में तमिल सिनेमा के डायरेक्टर M.G. रामाचंद्रन जी ने इस मूवी के राइट्स को खरीदा और उन्होंने उस टाइम यानी कि साल 1958 में इस मूवी के राइट्स को टोटल, इस नॉवल के राइट्स को टोटल 10,000 रुपए में खरीदा था उस टाइम। अब यहाँ पर सबसे बड़ा इशू ये था कि उस नॉवल के राइट्स को तो खरीद लिया गया लेकिन उस नॉवल के ऊपर जो कहानी के ऊपर जो मूवी बनानी थी उस मूवी के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च करने की जरूरत थी, यानी कि काफी ज्यादा फंड्स चाहिए था जो कि उस टाइम एक इम्पॉसिबल सा काम था। देन फंड्स ना होने के चलते इसके प्रोडक्शन पर काम स्टार्ट किया ही नहीं गया। देन उसके बाद साल 1980 में डायरेक्टर मनी रत्नम ने एक्टर कमल हासन के साथ मिलकर इसके प्रोडक्शन पर काम करने का विचार किया, लेकिन यहाँ पर भी इशू था फंड्स का जिसके चलते इसको नहीं बनाया गया यानी कि प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया गया। देन साल 2010 में मनी रत्नम ने इस प्रोजेक्ट पर खुद से काम करने का फैसला किया यानी कि खुद से ही फंड रेज करने का फैसला किया और उस टाइम इस मूवी के अंदर कई सारे कलाकारों का नाम सामने आया था। जब साल 2010 में इस मूवी के प्रोडक्शन पर काम स्टार्ट किया जाना था तो उस टाइम मूवी के अंदर जो कार्थी का रोल था वो रोल दिया गया था थालापति विजय को, जयम रवि का जो रोल था वो रोल दिया गया था महेश बाबू को, तो वही जो विक्रम का रोल था वो रोल दिया गया था एक्टर आर्या को। लेकिन यहाँ पर मेकर्स के लिए फिर से खड़ी हो गई एक मुसीबत जिसके चलते मेकर्स को इस मूवी को रोकना पड़ा यानी कि मूवी का प्रोडक्शन फिर से स्टार्ट नहीं हो पाया। अब जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे मूवी के डायरेक्टर मनी रत्नम को इस मूवी के प्रोडक्शन पर काम स्टार्ट करने के लिए और ज्यादा फंड्स की जरूरत थी। फिर साल 2019 में मनी रत्नम को इस फिल्म के ऊपर काम करने के लिए
लाइका प्रोडक्शंस का साथ मिला और दोनों ने साथ में मिलकर साल 2019 में इस मूवी के प्रोडक्शन पर काम करना स्टार्ट किया। बता दे कि मूवी पोनियन सेल्वन 1 तमिल सिनेमा का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक था। जब से उस नॉवल को पब्लिश किया गया था यानी कि साल 1955 से ही, तभी से तमिल सिनेमा में उस नॉवल के ऊपर उसकी मूवी को बनाने की प्लानिंग की जा रही थी। आखिरकार उस नॉवल के पब्लिश होने के 64 सालों के बाद तमिल सिनेमा का ये सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट का सपना पूरा हुआ। फाइनली मूवी को साल 2019 में स्टार्ट करके 2022 में इसको रिलीज किया गया। क्या आप जानते हैं कि तमिल सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत भी इस मूवी का हिस्सा बनना चाहते थे और उन्होंने इस मूवी के अंदर काम करने के लिए मणि रत्नम जो मूवी के डायरेक्टर हैं उनसे बात भी की थी और मणि रत्नम को रजनीकांत के पर्सनैलिटी के हिसाब से उनके लिए इस मूवी के अंदर कोई रोल फिट लगा ही नहीं, जिसके चलते चाहकर भी रजनीकांत इस मूवी का हिस्सा नहीं बन पाए थे। मूवी के अंदर जो एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन का रोल था वो सबसे पहले एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी को वो रोल ऑफर किया गया था। अनुष्का शेट्टी ने वो रोल करने के लिए साइन भी कर दिया था लेकिन किसी रीजन के चलते अनुष्का शेट्टी ने बाद में इस मूवी को करने से मना कर दिया था और उनके मना करने के बाद उनका रोल ऑफर किया गया था त्रिशा कृष्णन को। मूवी PS1 बॉक्स ऑफिस पर कन्नड़ मूवी कांतारा के साथ क्लैश हुई थी और मूवी कांतारा को बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया गया था। अगर अभी तक आप लोगों ने मूवी PS1 को नहीं देखा है और आप इसे देखना चाहते हैं तो आप इसे OTT प्लेटफॉर्म Amazon Prime Video पर जाकर देख सकते हैं, जहां पर इस मूवी को 4 नवंबर 2022 को रिलीज कर दिया गया था। बता दें कि मूवी को Amazon Prime Video पर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एंड साथ ही हिंदी भाषा में रिलीज किया गया था। Amazon Prime Video ने इस मूवी के डिजिटल राइट्स को टोटल 125 करोड़ रुपए में खरीदा था। अब ये जो 125 करोड़ रुपए की डील है, इसमें पार्ट 1 भी इंक्लूड है और पार्ट 2 भी इंक्लूड है। वही बात करें अगर मैं सिर्फ पार्ट 1 के सैटेलाइट राइट्स की बात करूं तो बता दें कि पार्ट 1 के सैटेलाइट राइट्स को टोटल 25 करोड़ रुपए में सन टीवी को बेचा गया था, तो वही पार्ट 1 के म्यूजिकल राइट्स को 5 करोड़ रुपए में बेचा गया था। यानी कि पार्ट 1 के जो नॉन थिएट्रिकल राइट्स है वो टोटल 90 करोड़ रुपए में बिके थे। साल 2023 में PS1 मूवी का सीक्वल यानी कि इसका पार्ट 2 पोनियन सेल्वन 2 को भी रिलीज किया गया था और बता दें कि दोनों ही पार्ट्स की शूटिंग को एक साथ पूरा किया गया था। चलिए फाइनली वक्त आ चुका है मूवी PS1 के लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बजट और वर्डिट के बारे में चर्चा करने का। तो मूवी ने अपने डे वन पर अपनी जो ओपनिंग कलेक्शन की थी वर्ल्ड वाइड वो थी 82 करोड़ 50 लाख रुपए, 82 करोड़ 50 लाख रुपीज की। बता दें कि मूवी ने जो अपनी ओपनिंग की थी वर्ल्ड वाइड, ये उस टाइम की तमिल सिनेमा की 4th हाईएस्ट ओपनिंग करने वाली फिल्म बनी थी। उस टाइम नंबर 1 पर थी रजनीकांत की फिल्म 2.0, नंबर 2 पर भी थी रजनीकांत की दूसरी फिल्म कबाली, नंबर 3 पर थी थालापति विजय की फिल्म बीस्ट और नंबर 4 पर थी PS1। अब इस मूवी ने 82 करोड़ 50 लाख में से जो डे वन की जो अपनी इंडिया से जो ओपनिंग कलेक्शन की थी ग्रॉस कलेक्शन इंक्लूड करके, तो वो था 42 करोड़ 50 लाख रुपए, तो ओवरसीज से टोटल 40 लाख रुपए की ओपनिंग की थी। मूवी ने इंडिया से जो डे वन पर जो नेट ओपनिंग करी थी सभी भाषाओं की मिलाकर तो वो थी 34 करोड़ 34 करोड़ रुपीज की, जिसमें से मूवी ने अपनी ओरिजिनल तमिल भाषा से अपने डे वन पर जो नेट कलेक्शन किया था वो था 27 करोड़ 20 लाख रुपए, 27 करोड़ 20 लाख रुपीज का। तेलुगु भाषा से 4 करोड़ 45 लाख, 4 करोड़ 45 लाख की कलेक्शन की थी। हिंदी भाषा से 1 करोड़ 85 लाख, 1 करोड़ 85 लाख रुपीज की ओपनिंग नेट कलेक्शन की थी। तो वही मलयालम भाषा से डे वन पर 50 लाख, 50 लाख रुपीज की ओपनिंग नेट कलेक्शन की थी। मूवी ने इंडिया से अपने फर्स्ट वीकेंड यानी कि पहले 3 दिनों में टोटल जो नेट कलेक्शन की थी सभी भाषाओं की वो थी 101 करोड़ 10 लाख रुपए, 101 करोड़ 10 लाख रुपीज का, जिसमें से मूवी ने तमिल भाषा से अपने पहले 3 दिनों में 79 करोड़ 70 लाख की कलेक्शन की थी। तेलुगु भाषा से 11 करोड़ 55 लाख, 11 करोड़ 55 लाख की कलेक्शन की थी। हिंदी से 7 करोड़ 60 लाख, 7 करोड़ 60 लाख की कलेक्शन की थी। तो वही मलयालम भाषा से 2 करोड़ 25 लाख रुपए, 2 करोड़ 25 लाख की कलेक्शन की थी। मूवी ने इंडिया से अपने फर्स्ट वीक यानी कि पहले 7 दिनों में टोटल जो नेट कलेक्शन किया था सभी भाषाओं का वो था 175 करोड़ 60 लाख रुपए, 175 करोड़ 60 लाख रुपीज का, जिसमें से मूवी ने तमिल भाषा से 142 करोड़ 85 लाख, 142
2.85 करोड़ की कलेक्शन की थी, तेलुगु भाषा से 13.55 करोड़ की कलेक्शन की थी 13.55 करोड़ की, हिंदी भाषा से 14.25 करोड़ 14.25 करोड़ की कलेक्शन की थी, तो वही मलयालम भाषा से 4.95 करोड़ की कलेक्शन की थी। मूवी ने जो इंडिया से अपना टोटल लाइफ टाइम नेट कलेक्शन किया था सभी भाषाओं का मिलाकर, तो वो था 269.33 करोड़ रुपीज का, जिसमें से मूवी ने तमिल भाषा से 221.80 करोड़ 221.80 करोड़ 80 लाख की टोटल लाइफ टाइम नेट कलेक्शन की थी, तो वही तेलुगु भाषा से 14.97 करोड़ की कलेक्शन की थी, हिंदी भाषा से 25.12 करोड़ की कलेक्शन की थी 25.12 करोड़ की, तो वही मलयालम भाषा से 7.44 करोड़ की नेट कलेक्शन की थी टोटल लाइफ टाइम। मूवी ने जो इंडिया में तमिल भाषा से अपना जो टोटल लाइफ टाइम नेट कलेक्शन किया था 221.80 करोड़ रुपए का, बता दे कि उस टाइम पहली ऐसी तमिल मूवी थी जिसने तमिल वर्जन में यानी कि तमिल लैंग्वेज में इंडिया में 200 करोड़ का नेट आंकड़ा पार किया था। मूवी का जो इंडिया का लाइफ टाइम टोटल ग्रॉस कलेक्शन था, ग्रॉस यानी कि जिसमें टैक्स जीएसटी इंक्लूड हो जाता है, तो वो था 320.50 करोड़ रुपए 320.50 करोड़ रुपीज का। मूवी ने इंडिया से बाहर यानी कि ओवरसीज मार्केट से अपना टोटल जो लाइफ टाइम कलेक्शन किया था वो था 175.175 करोड़ रुपीज का, और ये सब इंक्लूड करके मूवी का जो लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन था सब कुछ इंक्लूड करके तो वो था 495.50 करोड़ रुपीज का। बजट की बात करें तो बता दें कि मूवी का जो बजट है वैसे तो बजट है इसका 500 करोड़ रुपए का, लेकिन जो 500 करोड़ का बजट है वो दोनों ही पार्ट्स का मिला के है, यानी कि इस मूवी का जो इस पार्ट का पार्ट वन का जो बजट है वो है 250 करोड़, 250 करोड़ का इसका बजट है, लेकिन अगर हम इस पार्ट वन के थिएट्रिकल बजट की बात करें तो इसका थिएट्रिकल बजट लगभग 160 करोड़ के आसपास का है। अब उस हिसाब से अगर हम वर्डिट की बात करें यानी कि हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता दें कि PS1 अपने बजट और कलेक्शन के हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित होती है। जी हाँ दोस्तों, मूवी PS1 पार्ट 1 बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर की वर्डिक्ट हासिल करती है। मूवी PS1 ने अपना टोटल जो लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 495.50 करोड़ रुपीज का, इसी कलेक्शन के साथ ये मूवी साल 2022 की तमिल मूवीज की लिस्ट में फर्स्ट हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म साबित होती है। और अगर मैं साल 2022 की सभी इंडियन मूवीज की लिस्ट की बात करूं तो उस लिस्ट में PS1 थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म साबित होती है। नंबर वन पर है तेलुगु मूवी RRR, नंबर टू पर है KGF चैप्टर 2 यानी कि कन्नड़ मूवी KGF चैप्टर 2, और नंबर थ्री पर है PS1। लेकिन अब तक जितनी भी तमिल मूवीज रिलीज हो चुकी है उस लिस्ट में PS1 फोर्थ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म साबित होती है। नंबर वन पर है रजनीकांत की फिल्म 2.0, नंबर टू की बात करें तो वो है विजय की फिल्म यानी कि थालापति विजय की फिल्म लियो, नंबर थ्री पर है रजनीकांत की फिल्म जेलर, और नंबर फोर पर है PS1। तो